सबसे पहले तो राहुल गांधी जी सिर्फ हमारी गलती थी ये कहकर इमरजेंसी आपातकाल के गुनाह से खुद को और परिवार को बचा नहीं सकते। राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना पड़ेगा उस समय पर जिस विचारधारा को लेकर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी और आपातकाल देश पर थोपा, वो इंदिरा गांधी जी के विचार, ये कांग्रेस के विचार नहीं है, ये बात सबसे पहले राहुल गांधी जी को स्पष्ट करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर ये गुनाह है ये मानते हैं तो उनके ही सरकार ने महाराष्ट्र में आपातकाल में जेलों में जो बंद थे अब गुनाह के वजह से बंद किए गए, बेगुनाह थे तो भी बंद किए गए, ऐसे सब जो थे वो सैनिकों को, वो लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को जो पेंशन शुरू की थी वो बंद की है, वो ठाकरे सरकार वापस शुरू करे। और तीसरी बात, अगर ये गुनाह है तो पब्लिकली क्या उठक बैठक राहुल गांधी जी निकाल कर जनता से उसके लिए माफी मांगेंगे, ये हमारा सवाल है। पावर आउटेज पे जो है आज सरकार ने कहा है कि वो जो रिपोर्ट परसों सबमिट हुआ था उसे टेबल करेंगे और उसके बाद चर्चा होगी, आपको लगता है कि इस चर्चा से, इस टेबल, ये रिपोर्ट से कुछ सामने आएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर सवाल या निशान उठाया है? देखिए, रिपोर्ट को कोई आधार कल भी नहीं था, परसों भी नहीं होगा। जिस तरीके से स्वयं डिपार्टमेंट के लोगों ने और बाद में जो सरकार ने अपॉइंट की हुई कमिटी ने इसमें कहीं पर भी सबोटाइज नहीं, ये स्पष्ट कर दिया। केंद्र सरकार के माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, अब फिर भी अपने फेल्यूर को एक तरीके से छुपाने के लिए ये सरकार कोई बोगस रिपोर्ट लाने का प्रयास कर रही है, ऐसा हमारा मानना है।